प्रॉब्लम्स होती रहती है ना। नो प्रॉब्लम, आसान है, सब कुछ आसान है। चलो तो हाँ, हम कहाँ थे बेटा, हम थे, अब देखो जितना इस तरह से मैं बताती हूँ ना, समझ अच्छे से समझा करो। हाँ देखो, मैंने बताया डेमोक्रेसी, मैंने बताया कि यूज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, नहीं आएगा तो फिर पढ़ पाओ। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इक्वालिटी। अब देखो बेटा, क्योंकि हमारा ये चैप्टर ही है ऑन इक्वालिटी, तो इक्वालिटी के बारे में समझ लो। इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। मैंने आपको एक क्वेश्चन कहा था ना कि इक्वालिटी का डेमोक्रेसी के साथ क्या रिलेशन है, तो इसको कैसे बताओगे, कहोगे ना कि मैम इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। जितने भी हमारे देश में काम होते हैं उन सब में अगर इक्वालिटी नहीं होगी बेटा, तो देश में क्या हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, सब लड़ने लगेंगे एक दूसरे के साथ, फैल जाएगी चारों तरफ। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर, अबाउट इक्वालिटी, व्हाट इट इज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, वेदर और नॉट एवरी वन इज इक्वल इन इंडिया। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी कंट्री में इक्वालिटी है, यस और नो। आप तो फील किए होंगे, क्या आपके क्लासरूम में क्लास टीचर आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, क्या कभी उसने कोई क्वेश्चन किया कि वेदर यू बिलोंग फ्रॉम अपर कास्ट और लोअर कास्ट, क्या कभी ऐसा हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह जब वो छोटे थे एक दलित राइटर थे तो उनके टीचर ने उनको क्लासरूम में कभी बैठने नहीं दिया, और जब बैठते थे तो उनको हटा करके उनको झाड़ू पोछा लगवाने के लिए भेज दिया जाता था। ये कब की कहानी है, अराउंड कुछ साल पहले, ठीक है। तो क्या आपके साथ इस 21st सेंचुरी में आपके साथ ऐसा कभी हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जो टर्म है इट मीन्स भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन या बार-बार और ये मीनिंग है लर्न कर लिया करो ये सब, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ पे कुछ लोगों का पिक्चर बना हुआ है, मंजीत कौर, अ टीचर, ट्रेडर, स्टूडेंट, डोमेस्टिक वर्कर, ये सब एक लाइन में क्यों खड़े हैं। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। अब आपको यहाँ पे इस स्टोरी बोर्ड की हेल्प से आपको बताया गया है इक्वालिटी के बारे में, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, इस स्टोरी को पढ़ो। Isn't it good, Suja, that we all vote as equal citizens? क्या सुजा, ये अच्छी बात नहीं कि हम सब इक्वल सिटीजन की तरह एक साथ लाइन में खड़े होकर वोटिंग कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रही है। सुजा क्या ये अच्छी बात नहीं कि हम इलेक्शन दे रहे हैं, इलेक्शन कर वोटिंग करने जा रहे हैं एक साथ लाइन में खड़े होके। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। अब ये कहते हैं कि मैं उसी को वोट करूंगी जो हमारे एरिया में पाइप लेके आया था पानी देने के लिए, समझ रहे हो ना, यानी कि इसको राइट है, क्या राइट है बेटा, इस चीज का अधिकार, इसको अपनी मनपसंद के पर्सन को गवर्नमेंट में भेजने का, क्लियर हो रहा है ना, यानी कि इसको अपना लीडर चूज करने का अधिकार है। तो ये कह रही है ना, देखो डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात होती है कि मैं तो उसी को वोट करूंगी जब मेरे एरिया में पानी पहुंचाया था कि उसने प्रॉमिस किया था, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट जिसने ये प्रॉमिस किया है कि वो मेरे एरिया में पानी लेकर आएगा, समझ रहे हो ना। अब चलो आगे देखो, अब ये दूसरे लोग जो है लाइन में खड़े हैं, कोई आर्टिस्ट है, कोई हाउसवाइफ है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन। अब देखो इंडस्ट्रियलिस्ट यानी बिजनेसमैन भी लाइन में खड़ा है, सबसे पीछे की लाइन में एक अनएम्प्लॉयड, एक बेरोजगार भी खड़ा है बेटा जिसको कोई काम नहीं है। मीडिया पर्सन भी लाइन में खड़ी है, गवर्नमेंट का एक ऑफिसर भी लाइन में खड़ा है, उसी लाइन में जिस लाइन में हाउस वाइफ भी खड़ी है। तो आप देख रहे हो ना, ये तो बात हुई किसकी,
इक्वालिटी की थी। यहाँ पे सभी लोग क्या है, इक्वल है, लेकिन ये इक्वालिटी किस दिन हो रही है, इलेक्शन वाले दिन, जब इनको वोट करना है। ध्यान से समझना, ओके चलो। फिर सी यू लेटर कांता। यस नमस्ते साहिब। अब देखो, अब जिस कांता, ये कांता एक डोमेस्टिक वर्कर है और उसके जिस घर में वो काम करके जो ऑनर है वो भी खड़े, वो गाड़ी से गया, खड़ा हुआ कांता के पीछे जाके लाइन में खड़ा हुआ। अब यही बातें कर रही कि मेरी साथ भी आई है, वो भी इसी लाइन में खड़ी हो, मैं सर्वेंट होके उसी लाइन में खड़ी हूँ। देखो हमारे देश में कितनी क्वालिटी है। अब देखो बेटा, ये इक्वालिटी तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी इक्वालिटी है ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक, गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड शी हैज टू गो टू द हॉस्पिटल। देखो मेरी गुड़िया को बुखार है, हॉस्पिटल लेके जाना है। मैंने साहेब से काम कहा था कि साहेब आज हम नहीं आ पाएंगे। हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गो बैक इन द इवनिंग। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉलिंग अप इन दिस। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो एक ये कहानी है। इस पिक्चर में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इलेक्शन डे जब वोटिंग करनी होती है तो राइट टू इक्वल, राइट टू वोट है ना, सब लोग एक साथ लाइन में खड़े हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, रिच हो, पुअर हो, मेल फीमेल हो, किसी भी कास्ट के हो, है ना। अब देखो, अब इसके बाद ये अगली लाइन आती है। अब देखो यही ये जो है ये मालकिन है, मेन साहब है और ये हाउस वर्कर है ना, और ये काम कर रही है और ये क्या कह रही है, सारे कॉर्नर्स को अच्छे से क्लीन करना, समझ गए ना। ये अब ये तुम्हारा एडवांस है, लेकिन एडवांस तो दे रही हूँ लेकिन इसकी आदत मत बना देना, क्यों, क्योंकि कांता की बेटी को फीवर था और उसको इलाज कराने जाना था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बिहेवियर कैसा है इन दोनों के बीच में, क्या यहाँ पे इक्वालिटी आपको दिख रही है, यस और नो? नो। ठीक है, अब क्या करोगे। अब देखो ये टर्म है इक्वल राइट टू वोट। ठीक, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोग ने पहले आप पहला जो स्टोरी बोर्ड में पढ़ा था सब लाइन में खड़े थे। The story above begins with Kanta. Kanta line में खड़ी है, क्यों, to cast her vote, अपने वोट को देने के लिए। जिस लाइन में वो खड़ी है उसी लाइन में उसको काम देने वाला एम्प्लॉय अशोक भी खड़ा है, छोटे लाल खड़ा है, उसका पड़ोसी खड़ा है। अब आप देखो कि डेमोक्रेसी में चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी उसकी एजुकेशन कितनी भी हो, व्हाट कास्ट दे आर, वेदर दे आर रिच और पुअर, दे ऑल आर अलाउड टू वोट। इस वर्ड को, इस सेंटेंस को याद रखो, यहाँ जो राइट टू वोट का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे उसकी कितनी भी एजुकेशन हो, व्हाट कास्ट दे हैव, रिच और पुअर, डजंट मैटर। इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आप इस टर्म को ग्राउंड करके इसको लर्न करो और यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, सभी लोगों को इक्वल राइट टू वोट है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इक्वालिटी के बेस पर ही है ना, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सब लोग वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो वीआईपी है उसको लेके चेयर देते हैं कि आप बैठ जाइए साहब, आप बैठ जाइए, थक जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना, चलो बाकी बढ़े। बट एज माई डेज गोज ऑन, कांता बिकेम बिकम लेस सर्टेन अबाउट वोट। कांता सोचती है कि यहाँ तो मेरे मेरे साथ इतना ज्यादा मेरे साथ भेदभाव कर रही है, तो इक्वालिटी है कहाँ देश में। What is it that makes Kanta unsure? कांता कहती है कि यहाँ पर तो सब लोग एक साथ खड़े हैं, घर में मेरे जो मेम साहब है उनका मेरे साथ ट्रीटमेंट बहुत बैड ट्रीटमेंट है। अब क्या होगा, कांता की कहानी
कहानी को जरा सा समझ लो। सांता लिप्स इन अ स्लम एरिया। हर डॉग उसकी जो डॉटर है वो सिख है, बीमार है, लेकिन उसके पास उसको ले जाने के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि वो एक डोमेस्टिक हेल्पर है, सर्वेंट है, मेड है, ठीक है। रोज जाते गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन उसका कुछ होता होता नहीं है, ठीक है। लाइन में खड़ी रहती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ओपीडी के सामने पर्चा बनवाना है वहां पे लाइन, आगे जाके डॉक्टर को दिखाना है वहां पे लाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब? Do you think Kanta has enough reason to doubt? Kanta इतना क्यों सोच रही है कि वो इक्वालिटी में आती है कि नहीं? Kanta ये सोच रही है कि क्या मैं इक्वल हूँ? अब आप बताएंगे वो reasons क्यों Kanta ऐसा feel कर रही है, क्यों कर रही है? Give reasons। Homework में लिख लो, write down in homework बेटा। Homework में लिखो give reasons why Kanta feel, उसको book में pencil से कर दिया करो, ठीक है? 1, 2, 3 नेक्स्ट आते हैं अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी को मैं कंटिन्यू कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी ये तब तक ले, अभी एक मिनट का पहले टाइम देती हूँ।